चलो दोस्तों, जो हम लोग निर्माण आईएएस की आईसीटी बुक सर्च कर रहे थे यूनिट 9 के लिए, उसका ये 9th लेक्चर है जिसमें हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं उन्नत कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों जैसे खरीदने और बेचने में करना ई कॉमर्स या ई वाणिज्य कहलाता है। इसके द्वारा न केवल व्यापारिक गतिविधियों से कागजों का विस्थापन हुआ है बल्कि अनावश्यक गतिविधियां भी अनियंत्रित हुई हैं। तो अनावश्यक गतिविधियां भी नियंत्रित हुई हैं, इससे व्यापार तीव्र गति से संपन्न हुआ है। अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। साधारण शब्दों में फिजिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, किचन आइटम, इंडस्ट्री, मशीनरी आदि, डिजिटल गुड्स, ई बुक्स, ई मैगजीन, ई पेपर, वीडियो कोर्सेज, ग्राफिक्स, पेंटिंग्स आदि, हम सेवाएं, कंसल्टेंसी, टीचिंग, राइटिंग, हेल्थ एडवाइज, लीगल एडवाइज आदि, ऑनलाइन खरीदना या बेचना, या विज्ञापनों द्वारा उत्पादों की सूचनाएं ग्राहकों तक पहुंचाना ही ई कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन आदि गतिविधियां ई सर्विसेज के अंतर्गत ई कॉमर्स का भाग मानी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अनुसार ई कॉमर्स इक्वलाइजर के रूप में कार्य करके मास कस्टमाइजेशन को संभव बनाता है। तो ई कॉमर्स इक्वलाइजर के रूप में काम करके मास कमर्शलाइजेशन को संभव बनाता है, मास कस्टमाइजेशन को संभव बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स का विकास क्रम, तो 1969 में कंप्यूट सर्व की स्थापना हुई। कब? 1969 में कंप्यूट सर्व की स्थापना हुई। ई कॉमर्स का प्रारंभ 1970 में विकसित तकनीक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के कारण संभव हो पाया था। 1979 में माइकल एल्ड्रिज ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया, माइकल एल्ड्रिज ने। 1981 थॉमसन हॉलीडेज, ये इंग्लैंड ने पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया। फिर 1982 में बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 1992 में बुक स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया, जिसकी वेबसाइट www.books.com थी। अब यह वेबसाइट www.barnesandnoble.com हो गई है। 1998 में पेपल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। 1999 में alibaba.com की शुरुआत की गई। 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स की शुरुआत की। 2005 में दस्तकारी और पुराने कीमती सामान, विंटेज गुड्स की ऑनलाइन खरीदी और बिक्री के लिए इट्सी मार्केट प्लेस शुरू किया गया। 2009 में ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्लेटफॉर्म बिग कॉमर्स शुरू हुआ। 2011 में गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से शुरू किया गया। फिर 2014 में एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए शुरू किया गया। 2017 में इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत की गई। 2020 में रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत की गई। ई कॉमर्स में प्रयुक्त तकनीक कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज EDI, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड EBB, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये क्या है? ईडी से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से है। EDI के जरिए व्यापारिक संगठनों के द्वारा व्यापारिक सूचनाओं का मानकीकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के रूप में अंतर क्रिया द्वारा संवहन किया जाता है। EDI व्यापारिक साझेदारों के कंप्यूटर एप्लीकेशन के मध्य स्थापित डाटाओं के न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के तहत आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर EDI एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जाता है। 1980 में EDI तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स को परिचायित कराया गया। आजकल EDI का प्रयोग सबसे ज्यादा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में किया जाता है। EDI का मुख्यतः प्रयोग अंतरराष्ट्रीय लेन देन एवं व्यापार में किया जाता है। इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? अग्रिम विक्रय, एडवांस सेलिंग,
फिर क्रियान्वयन, समायोजन, फिर विक्रय पश्चात, तो आफ्टर सेलिंग क्या होता है। एडीआई का उपयोग करके परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, शिपमेंट, नोटिस आदि आसानी से तैयार किया जा सकता है। एडीआई आर्किटेक्चर क्या है? एडीआई आर्किटेक्चर में चार लेयर होती हैं। एडीआई लेयर कौन कौन सी? सिमेंटिस लेयर, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लेयर, फिर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, तो ईबीबी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर डिस्कस कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फोरम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सार्वजनिक होते हैं। इसका कोई भी यूजर मैसेज को रीड कर सकता है और इस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। ईबीबीस का प्रयोग ज़्यादातर एजुकेशनल और मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कोरा.com, stackoverflow.com, परंतु यह छोटे बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत काम का होता है। बिजनेसमैन इसमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर सकता है, अपने विज्ञापन को प्लेस कर सकता है या फिर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई बैंकिंग प्रणाली है, या ये एक डिजिटल भुगतान पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में बिना किसी प्रत्यक्ष लेन देन के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में पैसे सीधे प्राप्तकर्ता के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी बैंक का अकाउंट या उसमें नेट बैंकिंग सुविधा जुड़ी हो इसका फायदा ले सकता है। EFT निम्न माध्यमों से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का सबसे आम तरीका। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है और इसमें अद्वितीय संख्या एक खाते के साथ जुड़ी होती है। यह एक चुंबकीय पट्टी में इम्ब्रेड होता है जो कि कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक ग्राहक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक उत्पाद खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक ग्राहक की ओर से भुगतान करता है और ग्राहक के पास एक निश्चित समय होता है इसके बाद वह क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आमतौर पर मासिक भुगतान चक्र होता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की ही तरह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें अद्वितीय संख्या बैंक खाता संख्या के साथ मैप होती है। बैंक से एक डेबिट कार्ड प्राप्त करने से पहले बैंक खाता होना आवश्यक होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच प्रमुख अंतर यह है कि डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के मामले में कार्ड के बैंक खाते से तुरंत राशि कट जाती है और बैंक के लेन देन के समय खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, जबकि क्रेडिट कार्ड के मामले में ऐसी कोई मजबूरी नहीं। डेबिट कार्ड ग्राहक को नगद या चेक रखने से मुक्त करता है और यहाँ तक कि व्यापारी भी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं और इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसको प्लास्टिक आइकन या प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट, तो यह एक वर्चुअल वॉलेट होता है जो मुख्य रूप से एक व्यक्ति को मोबाइल का उपयोग करने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाएं करने में सक्षम बनाता है, जैसे फ्री चार्ज, पेटीएम, जियो मनी, स्टेट बैंक बड़ी आदि। मोबाइल वॉलेट कई प्रकार के पेमेंट प्रोसेसिंग मॉडल के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे मोबाइल आधारित बिलिंग। तो इसमें उपयोगकर्ता आमतौर पर अपने मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से भुगतान भेजता या प्राप्त करता है। SMS आधारित लेन देन, तो इसमें SMS शॉर्ट कोड भेजकर लेन देन शुरू किया जाता है। इसके अंतर्गत भुगतान को कॉन्फिगर किए गए बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल सेवा से क्रेडिट डेबिट किया जा सकता है। मोबाइल वेब भुगतान, तो यह किसी उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यह एक मोबाइल ऐप और पेमेंट प्रोसेसिंग टर्मिनल है। इसके माध्यम से बातचीत करने के लिए मोबाइल डिवाइस में निर्मित विशेष हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल वॉलेट के प्रकार, तो क्लोज्ड वॉलेट, ये वॉलेट एक व्यापारी या निजी कंपनी से जुड़े होते हैं जहां आप विशिष्ट व्यापारी से सीधे खरीद के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। जब सेवा प्रदाता अपनी कंपनी की सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता के वॉलेट में कुछ राशि डालता है तो इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ क्लोज्ड वॉलेट। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, तो सेमी क्लोज्ड वॉलेट में क्या होता है? इस मोबाइल वॉलेट के अंतर्गत आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तथा कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन कैश नहीं निकाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, ओपन वॉलेट। तो यह वॉलेट सिर्फ बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इस वॉलेट के द्वारा सामान एवं सेवाएं खरीदने तथा एटीएम के द्वारा कैश निकासी जैसी सेवाएं ली जा सकती हैं, जैसे पेपल, वोडाफोन, एम पैसा आदि। पॉइंट ऑफ सेल, यह भी एक प्रकार का ईएफटी का ही रूप होता है, जिसमें आप किसी भी दुकान पर भुगतान कर सकते हैं। एसीएच ट्रांसफर, एक एसीएच ट्रांसफर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क द्वारा संशोधित एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर प्रक्रिया है। इसमें बैंक उपभोक्ता के निर्देश पर उसके अकाउंट से किसी अन्य अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ईमेल कॉमर्स, वर्तमान समय में ईमेल ई कॉमर्स एक महत्वपूर्ण साधन है। इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद के विज्ञापन हेतु विभिन्न मैसेज एवं पीडीएफ फाइल भेजने और इंटरनेट के माध्यम से उसका विक्रय करना ईमेल वाणिज्य का कार्य है। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस द्वारा ग्राहक जोड़े रखना तथा अधिक विक्रय, अधिक लाभ की स्थिति का प्रबंधन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाता है। यह ग्राहकों से जुड़ी जानकारी का एक केंद्रीय डाटाबेस तैयार करता है, जिसमें ग्राहक का नाम, उसका पता, सेल हिस्ट्री, पसंद आदि की जानकारी उपलब्ध रहती है। इसी आधार पर बिजनेस में सेल्स टीम जो तैयार होती है कार्य करती है। इसमें कस्टमर सर्विस सपोर्ट और फीडबैक लेना शामिल है। उदाहरण के लिए अजाइल सॉफ्टवेयर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, यह एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा पूरे बिजनेस को मैनेज या कंट्रोल किया जाता है, साथ ही बिजनेस को कस्टमाइज किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लाउड ईआरपी, प्रीमाइज ईआरपी और हाइब्रिड ईआरपी। ई कॉमर्स की विशेषताएं, तो इसमें सबसे पहला आता है गैर नगद भुगतान। तो ई कॉमर्स बैंक की वेबसाइट और अन्य साधन के माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा भुगतान को सक्षम बनाता है। फिर 24/7 सेवा उपलब्ध रहती है। इसमें विज्ञापन या विपणन इसमें किया जा सकता है। तो ई कॉमर्स से उत्पादों और कारोबारों की सेवाओं के विज्ञापन की पहुंच बढ़ जाती है। यह उत्पादों एवं सेवाओं के बेहतर विपणन प्रबंधन में मदद करता है। बिक्री में सुधार भी होता है। समर्थन, तो ई कॉमर्स पूर्व बिक्री और बाद की बिक्री ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। सूची प्रबंधन, तो लिस्ट मैनेजमेंट। फिर संचार में सुधार, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ई कॉमर्स की विशेषताएं हैं। ई कॉमर्स का कार्य क्षेत्र, तो माल का विक्रय या लीज पर लेना, बैंकिंग तकनीक संबंधी सुविधाएं देना, मनोरंजन सुविधाएं देना, लाइसेंस आदि के बारे में ऑनलाइन सूचना देना, विज्ञापन की सुविधा, पैटर्न का विकास, विश्व स्तरीय यानी ग्लोबल ट्रेनिंग करना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य, तो व्यापार मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य व्यापार मॉडल। तो ई वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य व्यापार मॉडल का मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, C2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G, अंतः व्यापार ई कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस, और व्यवसाय भुगतान यानी B2B2C भुगतान, और एम कॉमर्स बिजनेस से बिजनेस यानी B2B। ये क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां आपस में समान अथवा सेवाओं का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करती हैं, तो इस तरह के ई कॉमर्स को B2B कहते हैं। सामान्यतः व्यापारिक थोक व्यापारी, है ना, परंपरागत जो थोक व्यापारी होते हैं, एवं उत्पादक इस प्रकार के ई कॉमर्स में शामिल होते हैं। इसे ई बिज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरिकल कॉमर्स, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेंड इंडिया, जनरल इलेक्ट्रिक। उदाहरण के लिए एप्पल कंपनी के इंटेल, पैनासोनिक और सेमीकंडक्टर निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के साथ B2B रिश्ते हैं। B2B लेन देन ऑटोमोबाइल उद्योग की रीढ़ की हड्डी होता है। उदाहरण के लिए टायर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और होसेस आमतौर पर विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित होते हैं और सीधे ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बेचे जाते हैं।
कुछ सेवा प्रदाता भी B2B लेन देन वाली कंपनियां होती हैं। तो उदाहरण के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को बजाय अक्सर इन सुविधाओं को अन्य व्यवसायों को बेचा जाता है। B2B की विशेषताएं, तो इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष व्यावसायिक संगठन होते हैं, अतः दो व्यावसायिक संगठनों के मध्य ऑनलाइन वाणिज्य होता है। व्यापार के अपने पक्षकारों यथा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपूर्तिकर्ता होता है और अन्य साझेदारों के साथ ई व्यावसायिक संबंध बनाने का समर्थन करता है। इसमें अंतिम या व्यक्तिगत उपभोक्ता को शामिल नहीं किया जाता। यह समय, लागत, भौगोलिक स्थिति की सीमाओं से स्वतंत्र होता है। इसमें प्रबंधन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वितरण, श्रृंखला भुगतान, सीरीज और पेमेंट, टेली मार्केटिंग आदि सम्मिलित है। B2B के अनुप्रयोग से प्राप्त सूचनाएं, इसका वर्णन 1999 में हैंड फील्ड एवं इकोलस में किया, जो निम्न अनुसार है। उत्पाद संबंधी, तो उत्पाद संबंधी क्या है, इसमें विशेषताएं हैं, मूल्य एवं विक्रय इतिहास संबंधी जानकारी रहती है। उपभोक्ता संबंधी, विक्रय इतिहास, पूर्वानुमान। आपूर्तिकर्ता संबंधी, उत्पाद रेखा, विक्रय लीड टाइम, विक्रय की शर्त और दशाओं का वर्णन। उत्पाद का वर्णन संबंधी, क्षमता, प्रतिबद्धता एवं उत्पाद नियोजन करना। परिवहन संबंधी, वाहक, लीड टाइम, लागतों के संबंध में विचार। इन्वेंट्री संबंधी, ढुलाई लागतें, स्थानों का निर्धारण। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी, मुख्य संपर्क भूमिका एवं उत्तरदायित्व सूची को शामिल करना। प्रतिस्पर्धा, बेंच मार्किंग, स्पर्धी उत्पाद प्रस्ताव, बाजार अंश आदि का अध्ययन। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया और निष्पादन संबंधी, प्रक्रिया विवरण, निष्पादन उपाय, गुणवत्ता, सुपुर्दगी, समय, उपभोक्ता संतुष्टि आदि पहलुओं पर विचार किया जाता है। B2B के प्रतिमान, तो विक्रय पक्ष, बाजार स्थान, वेब स्थान, वेब स्पेस। तो B2B मॉडल के, यह B2B मॉडल के समान है, परंतु इसमें विक्रेता स्वयं की या किसी अन्य थर्ड पार्टी की वेबसाइट से स्वयं के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों की बिक्री करता है। इसमें क्रेता कैटलॉग का अवलोकन कर विक्रेता की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करता है, तथा विक्रेता अग्र नीलामी व कैटलॉग का प्रयोग कर गतिशील मूल्य निर्धारण करता है। फॉरवर्ड ऑक्शन, अग्र नीलामी क्या है, ये नीलामी का वह प्रकार जिसमें बोली न्यूनतम संभावित मूल्य से प्रारंभ होती है। एक ही सेवा या वस्तु के लिए खरीदार क्रेता प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोली वस्तु का मूल्य बढ़ाते जाते हैं। उच्चतम बोली वाले खरीदार को वस्तु प्राप्त होती है। इसका उदाहरण है eBay.com। यह दो प्रकार का होता है। पहला, लिक्विडेट ऑक्शन, इसमें खरीदार कम कीमत पर इच्छित वस्तु खरीदने की इच्छा करता है, जबकि दूसरा मार्केट इफिशियंसी एक्शन, इसमें खरीदार यूनिक वस्तु खरीदना चाहता है, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत देनी पड़े। ई कैटलॉग, तो इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी वस्तु या सेवा की संपूर्ण जानकारी को प्रसारित करने की प्रक्रिया ई कैटलॉग कहलाती है। ई सोर्सिंग, आपूर्तिकर्ता से अनुकूलतम संविदाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ई सोर्सिंग कहलाती है। ई प्रापण क्या है, यह संविदा के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के अनुकूलतम प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसमें ऑनलाइन माध्यम अथवा आपूर्ति केंद्रों से व्यवसाय B2B प्रक्रिया द्वारा उत्पाद तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। B2B में प्रयुक्त तकनीक, तो IDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, व्यावसायिक भागीदारी के बीच एक मानक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज है। इंटरनेट, इसके द्वारा विश्व के समस्त छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। यह नेटवर्क के भीतर अन्य रूप से कार्यशील होता है, और यह TCP/IP तथा HTTP या I.P एड्रेस पर कार्य करता है। एक्स्ट्रानेट, यह B2B पर आधारित कंपनी के इंटरनेट तथा दूरस्थ स्थानों पर अव्यवस्थित प्रमाणित उपयोगकर्ता के मध्य क्रय विक्रय को संभव बनाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। तो B2C व्यापार मॉडल में कंपनी एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचती है। एक ग्राहक ऑनलाइन उत्पादों को देख सकता है और किसी उत्पाद को चुन सकता है, जैसे ऑरिकल कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। B2B मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट पर जाता है, कैटलॉग का चयन करता है, कैटलॉग ऑर्डर करता है और एक व्यवसायी संगठन को ईमेल भेजता है।
भेजा जाता है। आदेश प्राप्त करने के बाद ग्राहक को माल भेजा जाता है। विशेषताएं क्या है? इसमें इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे उपभोक्ता तक भेजा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे द्वारा यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा देना। इसके उपयोग से मध्यस्थता की समाप्ति होती है, यानी जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। कहीं से कहीं भी क्रय का कार्य ग्राहक द्वारा संपादित किया जा सकता है। ई टेलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, इंटरनेट पर खुदरा सामान बेचने को कहते हैं। यह सबसे सामान्य रूप है। इसकी दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? डायरेक्ट सेलिंग और मार्केट बेस्ड या मार्केट प्लेस्ड मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग, तो इस प्रक्रिया में उपभोक्ता या एंड यूजर को प्रोडक्ट वेबसाइट के माध्यम से बेचा जाता है। वेबसाइट मार्केट प्लेस्ड मॉडल, तो इस प्रक्रिया में उत्पाद या सेवा बाजार में उन दुकानों को दी जाती है जिनकी स्वयं की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन बाजार में इन दुकानों पर सामान मिलने की सूचना विक्रेता के द्वारा अपनी वेबसाइट पर सभी दुकानों की लिस्ट में डाली जाती है। जैसे निर्माण पब्लिकेशन की किताबें किन किन बुक स्टोरों पर मिलेगी, इसे जारी करना। फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, टी मेल और अर्बन क्लैप आदि बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल के उदाहरण है। कंज्यूमर से कंज्यूमर, तो सी टू सी, जब एक उपभोक्ता अपने उत्पाद को दूसरे उपभोक्ता को इंटरनेट के माध्यम से बेचता है तो यह सी टू सी कहलाता है। एक उपभोक्ता अपने पास कोई उत्पाद रखता है, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कार या किराए पर मकान आदि को ईबे, क्यूकर डॉट कॉम, करता 24, ओएलएक्स डॉट कॉम, ट्रेड सून, निक डॉट कॉम, मोनिस्टर डॉट कॉम, टाओबाओ डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म पर डालकर उसे दूसरे उपभोक्ता को बेचता है। इसकी विशेषता क्या है सी टू सी मॉडल की? सी टू सी मॉडल के उद्देश्य उपभोक्ताओं को सीधे बिना मध्यस्थ के अन्य उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम बनाना है। इसमें थर्ड पार्टी या प्लेटफॉर्म में निजी व्यक्तियों के मध्य उपभोक्ता से उपभोक्ता वाणिज्य होता है। इसमें ऑनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन, नीलामी प्रक्रिया आदि आते हैं। सी टू सी विक्रेता को अपने अधिकांश लाभ रखने की अनुमति देता है और खरीदार को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ईबे और अमेजॉन दो प्रमुख थर्ड पार्टी सी टू सी प्रदाता हैं। ईबे एक शीर्ष नीलामी साइट है जहां व्यक्ति बोली लगाने के लिए ग्राहकों को सामान सूचीबद्ध कर सकते हैं। अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा विक्रेता है। ईबे और अमेजॉन कंपनी बी टू बी सी टू सी दोनों रूपों में कार्य करती हैं, जिसका अर्थ है कि यह सीधे ग्राहकों को माल बेचती हैं और उपयोगकर्ता हैं को माल बेचने की अनुमति भी देती हैं। ये सी टू सी सुविधाकर्ता विक्रेताओं को उनकी वेबसाइटों के माध्यम से माल सूचीबद्ध करने और बेचने की अनुमति देकर शुल्क या कमीशन कमाते हैं। कंज्यूमर टू बिजनेस, जब उपभोक्ता किसी कंपनी को सेवा या उत्पाद प्रदान करता है तो सी टू सी कहलाता है। यह मॉडल बी टू बी का बिल्कुल उल्टा मॉडल है। जैसे एक फोटोग्राफर हाथ अपने फोटो को किसी फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल शटर स्टॉक डॉट कॉम या पिंट्रेस्ट जैसी कंपनियों को बेचता है। सी टू बी की विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक व्यवसायिक मॉडल है जिसमें उपभोक्ता व्यक्ति मूल्य बनाते हैं और व्यवसाय उस मूल्य का उपयोग करते हैं। सी टू बी मॉडल में उपभोक्ताओं को अपनी खुद की कीमत का नाम देने या कंपनी को डेटा या विपणन का योगदान करने की इच्छा से लाभ होता है। सी टू बी में उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, इसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। सी टू बी में रिवर्स नीलामी शामिल है। उल्टी या रिवर्स ऑक्शन नीलामी क्या कहलाती है? इस प्रकार की नीलामी में एक खरीदार उत्पादनकर्ता से वस्तु की मांग की आपूर्ति के लिए विक्रेता द्वारा अपनी वस्तु की कीमत प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कम प्रस्तुत की जाती है। जब विक्रेता द्वारा इच्छित वस्तु को सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने का आवेदन प्राप्त किया जाता है तो उसे वह कार्य सौंप दिया जाता है। इसका प्रयोग बड़े निगमों या सरकारी संस्थाओं द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति या किसी सेवा के लिए टेंडर निकाल कर दिया जाता है। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट सी टू जी, इसे कस्टमर टू
एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी के माध्य इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उदाहरण एमपी ऑनलाइन की सहायता से कॉलेज की फीस और ई भुगतान करना। बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, B2G आदर्श B2B मॉडल का एक संस्करण है। ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार और विनियमन जानकारी करने के लिए सरकार द्वारा काम में ली जाती हैं। ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार को आवेदन प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसायों के लिए एक माध्यम प्रदान करती हैं, जो एक्सिला.com इसका उदाहरण है। अंतः व्यवसाय ई वाणिज्य इंट्रा बिजनेस ये क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में सम्मिलित पक्ष एक ही व्यवसायिक फर्म के भीतर होते हैं, इसलिए इसे इंट्रा बिजनेस कॉमर्स कहते हैं। इसे बिजनेस टू एम्प्लॉई या इंट्रा बिजनेस कर्मचारी मॉडल भी कहते हैं। बैंकों में विभिन्न प्रकार के वाउचर को काउंटर साइन ना करके ऑनलाइन करना इस मॉडल का उदाहरण है। B2B2C। तो यह B2B B2C मॉडल का संयुक्त रूप है। इसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से विक्रय करके वस्तु या सेवा को व्यक्तिगत उपभोक्ता को बेचता है। इस मॉडल को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। B2B2C के अंतर्गत एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को उपभोक्ता हेतु भुगतान करता है। फॉर एग्जाम्पल, निर्माण IAS की ऐप पर कोई व्यक्ति MPPSC का कोर्स खरीदना चाहता है तो वह रेजर पे पर भुगतान करता है और निर्माण की क्लास शुरू हो जाती है। इसमें रेजर पे छात्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो रेजर पे का छात्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, लेकिन पेमेंट उसी के माध्यम से की गई थी। गोडबिया कंपनी विश्व की प्रथम B2B2C मॉडल पर कार्य करने वाली कंपनी है, उदाहरण रेजर पे। फिर एम कॉमर्स में एम का अर्थ है मोबाइल, अर्थात वाणिज्य में प्रयुक्त मोबाइल सेवाओं को एम कॉमर्स कहा जाता है। इसे ई कॉमर्स में गति लाने वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो एम कॉमर्स में मोबाइल के माध्यम से वस्तुओं एवं सामान का क्रय विक्रय होता है। इसमें जापान शीर्ष स्थान पर है। एम कॉमर्स ई कॉमर्स में गतिशीलता एवं त्वरितता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मोबाइल कॉमर्स के अनुप्रयोग क्या है? तो इसका उपयोग या अनुप्रयोग क्या है? मोबाइल वित्तीय संव्यवहार B2B B1C, मोबाइल विज्ञापन B2C, मोबाइल इन्वेंटरी प्रबंधन B2C B2B, अग्र सक्रिय सेवा प्रबंधन B2C B2B, उत्पाद स्थापना एवं क्रय B2C B2B, वायरलेस पुनः अभियंत्रिकी B2C B2B, मोबाइल नीलामी B2C, मोबाइल मनोरंजन सेवाएं B2C, मोबाइल कार्यालय B2C, मोबाइल दूरस्थ शिक्षा B2C, मोबाइल डेटा केंद्र B2C B2B, मोबाइल संगीत B2C। ई कॉमर्स के प्रयोग, तो टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट सहित डिजिटल व्यवसाय करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स आदि ई कॉमर्स तकनीक का प्रयोग करके अपने व्यापार को बड़े नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। ये सभी सर्विसेज ई सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ई सर्विसेज, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग आदि ई सर्विस के उदाहरण हैं। ई कॉमर्स का उपयोग निम्न व्यवसायों में किया जाता है, ई बैंकिंग में किया जाता है। तो इस सर्विस के अंतर्गत निम्न प्रकार के बैंकिंग कार्य किए जाते हैं। अकाउंट की विस्तृत जानकारी लेना, फंड को ट्रांसफर करना, अकाउंट हिस्ट्री को पुनः देखना, चेक ऑर्डर करना, इलेक्ट्रॉनिक चेक से बिल भुगतान करना, इलेक्ट्रॉनिक टाकन, इलेक्ट्रॉनिक या क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी का भुगतान करना, मेडिकल इंश्योरेंस का भुगतान करना। ई डायरेक्टरीज, तो इंटरनेट पर उपयोग होने वाली ई डायरेक्टरीज टेलीफोन नंबर ढूंढने में सहयोग दान करती है। जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है वह सैटेलाइट डाटाबेस से जो वेब सर्वर पर स्थापित होता है वह किसी के भी फोन टेलीफोन नंबर को एक्सेस कर सकता है। इसका उपयोग व्यापार में भी विशेषतः किया जाता है। ई लर्निंग, कई प्रोफेशनल जैसे टीचिंग, मेडिकल सॉफ्टवेयर आदि को हाल ही में टेक्नोलॉजी के अंदर हुए परिवर्तन की जानकारी लेने की जरूरत होती है। इसके हर बार किसी संस्था को ज्वाइन करना संभव नहीं है। इसमें ई लर्निंग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ई मेलिंग, फोन कॉल्स
एवं लेटर्स का कॉम्बिनेशन ईमेल होता है। इंटरनेट पर रिटर्न लेटर से तुरंत कम्युनिकेशन किया जा सकता है ईमेल के जरिए। टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, वीडियो, फोन वीडियो, साउंड आदि के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ई मार्केटिंग, तो ई मार्केटिंग का उद्देश्य उपभोक्ता से इंटरनेट पर विज्ञापन के द्वारा कम्युनिकेशन करना होता है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर सूचनाओं को तुरंत प्रकाशित किया जा सकता है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइस स्ट्रेटजीज और सर्विसेज ग्राहक की मांग को सीधे प्रभावित करते हैं। इससे रियल टाइम मार्केटिंग की जा सकती है। वेबसाइट पर कई प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करके व्यवसाय को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ई शेयर मार्केटिंग, रियल टाइम प्रोसेस के अंतर्गत शेयर होल्डर शेयर स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी हर समय हर पल ले सकते हैं तथा लेन देन और शेयर खरीदने और बेचने का कार्य तुरंत कर सकते हैं। ई सप्लाई, तो आत्मनिर्भर कंपनीज और कस्टमर्स सप्लाई चेन को बनाने का कार्य करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, सेंडर्स, रिसीवर्स एक साथ कार्य करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी डिजिटल बिजनेस से बिजनेस कम्युनिकेशन कॉस्ट को कम करती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कई टूल्स का सहारा लेकर किया जाता है और एक ऑनलाइन स्टोर को बनाने में बहुत सारे अलग अलग टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन स्टोर बनाए जाते हैं। ऑनलाइन स्टोर को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, दूसरा है तो इसमें पहला है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। तो आमतौर पर मर्चेंट अपना ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं। यह ऑनलाइन स्टोर बनाने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। अधिकतर बिजनेस इसी पर अपना व्यापार कर रहे हैं। मैग्नेटो, यह सबसे सरल और लोकप्रिय ई कॉमर्स सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो मर्चेंट्स के शक्तिशाली फीचर, आसान कस्टमाइजेशन और एडवांस उपलब्ध करवाता है। साथ ही विशेषज्ञों का समूह, डेवलपर तथा एजेंसियों की सेवा नागरिकों हेतु उपलब्ध होती है। डिमांड वेयर, तो यह एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ओरेकल कॉमर्स, यह एक B2B तथा B2C ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है। शॉपिफाई, आसानी से एक स्टोर फ्रंट बनाने हेतु शॉपिफाई सुविधा प्रदान करता है। इसके ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर द्वारा टेम्पलेट्स, इवेंट टूल्स, बाई बटन, पेमेंट सोल्यूशन आदि एक ही जगह उपलब्ध होते हैं। WooCommerce, तो यह एक वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में बदल देता है। यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है जो वर्डप्रेस साइट को एक ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर्स उपलब्ध करवाता है। BigCommerce, यह प्लेटफॉर्म B2B ई कॉमर्स के लिए एक ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्केलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाता है। DrupalCommerce, तो Drupal प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। InstaMojo, तो इस InstaMojo टूल की सहायता से आप अपना खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं तथा सीधे पेमेंट भी ले सकते हैं। RogerPay, यह एक भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसकी शुरुआत जयपुर के स्टार्टअप ओएसिस ने की थी। यह ऑनलाइन भुगतान है तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को भी स्वीकार करता है। यह मुख्यतः व्यवसायिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया गेटवे है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एक प्रकार के बिचौलियों का काम करता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मर्चेंट और ग्राहक के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और अलग अलग मर्चेंटों को एक जगह ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध करवाते हैं। ग्राहक का मर्चेंट से सीधा संबंध नहीं होता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, बिग बास्केट, अलीबाबा, पेमेंट मॉल, मित्रा या मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, OLX, क्यूकर, ईबे, बिग बास्केट, roofer.com आदि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लोकप्रिय मार्केट प्लेस के नाम है फेबमार्ट, तो यह भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 1999 में के बैथेश्वरन ने की थी। फ्लिपकार्ट, तो एक भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना सन 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। मुख्यतः पुस्तकों की ऑनलाइन खरीदी बिक्री के लिए बनी यह वेबसाइट अब अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं खरीदने का विकल्प भी देती है। 9 मई 2018 को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा खरीद लिया है, उसका अधिग्रहण कर
फिर इसमें वर्ष 2019 में फ्लिपकार्ट ने घरेलू दस्तकारों बुनकरों और हस्तशिल्पियों को अपने मंच पर लाने के लिए समर्थ पहल की शुरुआत की थी। फिर इसमें अमेजॉन है, तो वाशिंगटन स्थित अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। amazon.com की स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 में की थी। इसके वर्तमान CEO एंडी जेसी हैं। वर्ष 2005 में अमेजॉन प्राइम नामक सेवा प्रारंभ की गई। वर्ष 2021 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा राजस्व जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन है। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है। ईबे एक शीर्ष नीलामी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 1995 को पीरे मुराद आमिदियार द्वारा की गई थी। यह ई कॉमर्स की शुरुआत कंपनियों में से एक है जो नए सामान के साथ पुराना सामान बेचने के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराती है। इसका बिजनेस मॉडल B2C C2C पर आधारित है। इट्सी इस मार्केट प्लेस पर हैंडमेड विंटेज और कुछ दुर्लभ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। इट्सी अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जून 2005 को रॉब कैलिन, क्रिस मैग्यूरे, हैम स्कोपिक, जेरेड टारबेल ने की थी। अलीबाबा, उसकी स्थापना जैक मा द्वारा 4 अप्रैल 1999 को हुई। यह चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, सप्लायर्स, आयातकों तथा निर्यातकों के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराती है और ये B2C सिस्टम पर बेस्ड है। इंडियन मार्ट, तो इंडिया मार्ट यह एक भारतीय मार्केट प्लेस है। इसकी स्थापना 1996 में हुई तथा इसका मुख्यालय नोएडा में। फीवर, तो यह एक इजरायली फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेट है मार्केट प्लेस है। इसकी स्थापना माइका कॉफमेन और शाय बिनुनगर ने की थी। इसके द्वारा ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर आदि लोग जुड़कर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। स्नैपडील, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2010 को दैनिक मामलों के मंच के रूप में की गई थी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में यह सितंबर 2011 में रजिस्टर हुई। यह दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ऑनलाइन विक्रय करती है। मिंत्रा, तो यह भारतीय फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई। सन 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। जियो मार्ट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्य रूप से किराना सामान है तो ऑनलाइन ई पोर्टल जियो मार्ट की स्थापना की गई। इसने हाल ही में वॉलमार्ट के साथ व्यावसायिक समझौता किया है। ajio.com, देश में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग को देखते हुए रिलायंस जियो ने इसे लॉन्च किया है। नेट मेड, यह एक फार्मेसी प्लेटफॉर्म है। इसमें दवाइयों का विक्रय ऑनलाइन किया जाता है। भारत में यह 2016 से प्रचलन में आई। मीशो ऐप, यह एक ई कॉमर्स संबंधी ऐप है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को रीसेल किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा रीसेलर ऐप है। इस ऐप की स्थापना सन 2015 में विदित और संजीव मणमाल द्वारा की गई थी। भारत में ई कॉमर्स, तो भारत में 18 अक्टूबर सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रभाव से ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यह पहला लॉ है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा इसे 17 अक्टूबर 2000 को पारित कर दिया गया। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता, अपराध और उल्लंघन, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, जो पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। ई कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण पत्र, शिकायत निवारण तंत्र, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना होगा। यह अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान इसी अधिनियम में है। इन नियमों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद CCPC के गठन हेतु भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि परिषद उपभोक्ता
मुद्दों पर एक सलाहकारी निकाय होगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। नेट बैंकिंग, तो इसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। इसके माध्यम से बैंक ग्राहक अपने कंप्यूटर द्वारा अपने बैंक अकाउंट का प्रचालन कर सकते हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति घर या कार्यालय या कहीं से भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट पर बैंकिंग संबंधी मिलने वाली एक सुविधा है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर उपभोक्ता बैंकों के नेटवर्क और उसकी वेबसाइट पर अपनी पहुंच बना सकते हैं और घर बैठे ही खरीदारी, पैसे के स्थानांतरण के अलावा अन्य कार्यों और जानकारी के लिए बैंकों से मिलने वाली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा अंतरण ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है। इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। जैसे ही किसी लेन देन का प्रोसेस होता है, ठीक उसी समय उसका निपटान हो जाता है। यह जल्दी या फास्ट फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। NPCI, तो नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अमरेला संगठन है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ IBA की एक पहल है। इसके तहत इसमें जो अधिनियम है 2007 के अंतर्गत भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बनाने के लिए विकसित किया गया है। NPCI की वस्तुओं की उपयोगिता प्रगति को ध्यान में रखते हुए इसे कंपनी अधिनियम 1956 अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की धारा 25 के प्रावधान के तहत लाभ के लिए नहीं, मतलब ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है के रूप में शामिल किया गया है। NPCI की प्रचालन वृद्धि हेतु 10 कोर प्रमोटर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक और HDFC, HSBC इसके महत्वपूर्ण प्रमोटर बैंक हैं, कोर प्रमोटर बैंक हैं। 2020 में RBI द्वारा विनियमित नई संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भुगतान सेवा ऑपरेटर जैसे फोन पे, पेटीएम आदि, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक आदि शामिल किए गए हैं। NPCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। NPCI के तकनीक संचालन के लिए तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई है। इसके प्रथम अध्यक्ष NL शारदा थे। NPCI का नियामक बोर्ड, तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष विश्व मोहन महापात्रा RBI से नामांकित व्यक्ति, 10 कोर प्रमोटर से नामांकित व्यक्ति, NPCI के प्रबंध निदेशक एवं CEO वर्तमान CEO दिलीप असबे। NPCI से संबंधित महत्वपूर्ण विकसित संसाधन तो रुपए है। यह NPCI द्वारा जारी किया गया डिजिटली इनकोडेड भुगतान प्लास्टिक कार्ड है। रुपए एक स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय उपभोक्ता बैंक और मर्चेंट इकोसिस्टम की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुपए भारत में बैंकों द्वारा डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने का समर्थन करता है। इस प्रकार भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकास का समर्थन करता है। इसे 8 मई 2014 को पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। रुपए कम मूल्य के भुगतानों को अपनाने के लिए संपर्क रहित ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे नवीन भुगतान अवसरों का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सभी रुपए कार्ड में अब NCMC की कार्ड क्षमता होगी, जो ऑफलाइन तकनीक का उपयोग करके कम मूल्य के संपर्क रहित भुगतान जैसे पारगमन टोल पार्किंग खुदरा को सक्षम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पार्टनर्स, तो डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज, जापान क्रेडिट ब्यूरो, चाइना यूनियन पे के साथ गठजोड़ वैश्विक स्वीकृति पश्चिम तक मूल्यवान पहुंच प्रदान करता है और रुपए कार्ड धारकों की विश्व स्तरीय भुगतान समाधान प्रदान करता है। यह भारत के अलावा सिंगापुर, भूटान, UAE, नेपाल में भी संचालित है। IMPS को 22 नवंबर 2010 को श्यामला गोपीनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था। तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के साथ या IMPS के साथ भारत खुदरा क्षेत्र में वास्तविक समय भुगतान में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। IMPS पर ही UPI काम करता है। नाच, तो
नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच बल्क और पुल लेन देन के लिए एक ऑफलाइन वेब आधारित प्रणाली है। NACH कारपोरेट्स और बैंकों के लिए कागज रहित संग्रह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले शासनादेशों को पंजीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह खाता आधारित और आधार आधारित लेन देन दोनों के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है। APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम विभिन्न केंद्रीय और साथ ही राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सरकार और सरकारी एजेंसियों की मदद कर रहा है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सबसे अच्छी कैशलेस भुगतान विधियों में से एक है। AEPS माइक्रो ATM की तरह है। यह लेन देन के लिए स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग करता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है, तो महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना पड़ेगा। आप आधार का उपयोग करके निधि हस्तांतरण यानी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड को मतलब रुपये को निकाल सकते हैं, नगद जमा आदि कर सकते हैं। NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच भारत में ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो देश में अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी या इंटर ऑपरेबल कैश विड्रावल, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर और इंटर ऑपरेबल कैश डिपोजिट ट्रांजेक्शन की सुविधा देता है। UPI UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और RBI द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है, जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। तो इंटर बैंक लेन देन को ये सुविधाजनक बनाता है। UPI एक मोबाइल भुगतान प्रणाली है, जो स्मार्टफोन पर विभिन्न वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देती है। UPI बिना बैंक जानकारी डाले वर्चुअल एड्रेस का उपयोग करके पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। व्यापारी UPI का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों के साथ नामांकन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के मामले में व्यापारी को UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों के साथ चालू खाते की आवश्यकता होगी। कुछ UPI के उदाहरण हैं SBI पे, ICICI पॉकेट, एक्सिस पे, UPI पे, फोन पे, भीम ऐप आदि। भारत बिल भुगतान प्रणाली, तो भारत बिल भुगतान प्रणाली 200 प्लस बिलर्स के साथ सभी आवर्ती भुगतानों के लिए वन स्टॉप बिल भुगतान समाधान की पेशकश करती है। पूरे भारत में बिजली, गैस, पानी, दूर संचार, DTH, ऋण चुकती, बीमा, रिचार्ज आदि का ये महत्वपूर्ण है। ये NETC भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम विकसित किया है। यह ग्राहक को फास्टैग के माध्यम से विशिष्ट रूप से वाहन की पहचान करके राष्ट्रीय, राज्य और शहर के टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधा प्रदान करता है। यह फास्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID स्टीकर है, जो वाहन के विंडशील्ड पर चिपकाए जाते हैं या और ड्राइवर को वाहन चलाते समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं। भीम तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। बिना इंटरनेट के *99# द्वारा मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्षमता बलियां, तो बारकोड लाइनों और स्पेस का छोटा चित्र होता है, जो खुदरा स्टोर में उत्पादों पर, परिचय पत्रों पर, पोस्टल मेल पर होने से निश्चित उत्पाद नंबर, व्यक्ति एवं स्थिति की सूचना देते हैं। बार कोड टेक्स्ट सूचना को कोड में बदलकर उपलब्ध कराने की साधारण व कम खर्चीली तकनीक है, जो कि सस्ते इलेक्ट्रॉनिकली रीडरों से आसानी से पढ़ा जा सकता है। बार कोडिंग से डाटा को जल्दी से एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होती है और वह भी पूर्ण शुद्धता के साथ। कोड बार्स व स्पेसेज के लंबवत श्रेणी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो नंबर व सिंबलों को प्रस्तुत करता है। एक बार कोड में 5 भाग होते हैं, एक क्वाइट जोन, स्टार्ट चार्ट, स्टार्ट कैरेक्टर, डाटा कैरेक्टर, स्टॉप कैरेक्टर और अनदर क्वाइट जोन। बार कोड से संबंधित शब्द, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC एक ऐसा कोड है जो किसी एक वस्तु का स्वयं का एक अनूठा पहचान नंबर होता है। सिमोलॉजी विभिन्न प्रकार की तकनीक जो बार कोड के तहत प्रयोग में लाई जाती हैं। इन कोड डाटा को निश्चित कोड में परिवर्तित करना
जिसे कंप्यूटर समझ सके। डिकोड, निश्चित कोड को पूर्व डाटा में पुनः परिवर्तित करना। क्वाइट जोन, बार कोड का प्रारंभिक एवं अंतिम भाग जिसके द्वारा इसकी शुरुआत व अंत किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स, वे सभी भौतिक स्टोर जिनके पास एक वेब पेज होता है जिस पर विक्रेता द्वारा प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। एक वेबसाइट पर क्रय और विक्रय दोनों गतिविधियां संपन्न होती हैं। उदाहरण www.swiggy.com, www.betauwants.com। ई मॉल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक माल का संक्षिप्त रूप है। इसमें एक विशेष URL के द्वारा माल की भांति एक ही स्थान से विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचा जाता है। ई माल की विशेषताएं, तो ई माल ऑनलाइन होते हैं तथा इनमें एक वेब पते पर अनेक दुकानें रजिस्टर होती हैं। अलग अलग दुकानों पर विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं। उपभोक्ता ई माल के पते पर जाकर ब्राउज करके अपने इच्छित उत्पाद एवं सेवाओं को क्रय कर सकता है। फायरवॉल, तो यह ई कॉमर्स की ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो किसी वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच और धोखाधड़ी को रोकती है। ई कॉमर्स की वेबसाइट नेटवर्क से बाहर निकलने व अंदर ले जाने वाले सभी कनेक्शंस को फायरवॉल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। अर्थात यह सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट के सभी कनेक्शंस को अपने नियंत्रण में रखता है। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड प्रक्रिया में डेटा या सूचना को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कोडों में बदलने की क्रिया क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। इसका अन्य नाम इंक्रिप्शन है। अतः क्रिप्टोग्राफी डेटा या संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर करते समय गोपनीय बनाने की प्रक्रिया है। सिफर टेक्स्ट क्या है? क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में प्लेन टेक्स्ट को गणितीय प्रक्रिया द्वारा न पढ़ने योग्य टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। इसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार परिवर्तित टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव में डिक्रिप्ट कोड की द्वारा सिफर टेक्स्ट को पुनः प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है, इससे वह पठनीय बन सके। ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो यह पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर के लिए प्रयोग में लिया जाता है तथा उन्हीं अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किए जाते हैं। वन टाइम पासवर्ड OTP, यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफर करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसमें यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है जो उस लेन देन को पूरा करने के लिए डालना होता है। ई वॉलेट, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कैशलेस भुगतान विकल्प है। ई वॉलेट का उपयोग किराने से लेकर एयरलाइन टिकट तक के उत्पादों को खरीदने के लिए किया जाता है। ई वॉलेट का सबसे लोकप्रिय उदाहरण पेपल है। पेपल के अलावा आप पायोनियर, ट्रांसफरवाइज, स्क्रिल, पेजा का उपयोग भी कर सकते हैं। ई वॉलेट के लिए पंजीकरण करने के बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को अपनी ई वॉलेट आईडी से जोड़ना होगा। आप फंड ट्रांसफर या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यदि आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप USSD कैशलेस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा मोबाइल बैंकिंग सेवा है। किसी भी मोबाइल फोन से आप *99- डाल सकते हैं और इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। SBI, ICICI, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सहित लगभग सभी बैंक USSD भुगतान विकल्प का समर्थन करते हैं। ई ट्रेडिंग, तो इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेडिंग कहलाता है। कार्ड वेरिफिकेशन बैल, तो यह एक तरह से प्रमाणिक कोड है। BCC नंबर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर होता है। इसकी खासियत यह है कि किसी भी सिस्टम में सेव नहीं होता। 1995 में इसका आविष्कार UK के माइकल स्टोन ने किया था। प्रमुख मोबाइल ऐप, तो जन धन दर्शक, ये बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने हेतु इसका उपयोग होता है। सचेत ऐप, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। तेज या भीम ऐप, तो ये डिजिटल पेमेंट हेतु। दर्पण ऐप, डाक बीमा हेतु। माई स्पीड ऐप, ये इंटरनेट डेटा की स्पीड जांचने हेतु। ई बीट बुक, ये विभिन्न जानकारी से संबंधित। पैसा पोर्टल ऐप, छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन एवं ब्याज दर में छूट हेतु। मनी मोबाइल ऐप, RBI द्वारा जारी दृष्टि बाधित लोगों की सहायता हेतु। फ्लू हमसफर ऐप, दरवाजे तक डीजल पहुंचाने हेतु। तो ये फ्यूल हमसफर ऐप है। सुपर ऐप,
टाटा समूह द्वारा डिजिटल सेवाओं हेतु प्रमुख ई पोर्टल, तो ई सहज पोर्टल ये प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु, ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की खरीदी सरकारी खरीद हेतु, माई गवर्नमेंट पोर्टल तो माई जीओवी पोर्टल ये सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी हेतु, परिश्रम पोर्टल उड़ीसा का है ये कारोबार आसान बनाने हेतु, डाक पे ये डिजिटल भुगतान हेतु, चैंपियन पोर्टल एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक इनमें से किसका एक दूसरा रूप है, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का दूसरा रूप। सॉफ्टवेयर और सूचनाओं का वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है क्या कहलाता है, डिजिटल वॉलेट। फिर इनमें से किस टेस्टिंग से यह पता चलता है कि किसी व्यापार में लगे व्यक्ति और जरूरतें सही से कार्य कर रही हैं या नहीं, तो ये यूजर एक्सेप्टेंस से पता चलता है। निम्नलिखित में से क्या है जो व्यापार प्रक्रियाओं बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, तो ये वर्क फ्लो सिस्टम। वह तकनीक जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है SSL। CRM क्या है, CRM तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से दोस्तों दोनों ई कैश और डिजिटल कैश दोनों का उपयोग किया जाता है। या CM क्या है, तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ई कॉमर्स के मुख्य भाग कौन है, तो ई कॉमर्स के मुख्य भाग उपरोक्त सभी हैं, B2B, B2C, C2B। इनमें से किस प्रकार का बिजनेस ईबे अमेजॉन मिंत्रा आदि कंपनियां करती हैं, तो ये B2C करती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। इनमें से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता को उपभोक्ता के साथ क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है, तो ये C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। वह उपयुक्त उत्पाद जो B2C ई कॉमर्स द्वारा बेचा जाता है, तो ये नए उत्पाद है। इनमें से कौन सा उत्पाद क्रेता बायर आसानी से इंटरनेट द्वारा खरीद सकता है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, किताबें ग्रॉसरी कंप्यूटर ये सभी आसानी से खरीदा जा सकता है। वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है, तो ये कनेक्टेड प्रोग्राम। ERP क्या है, तो ये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। EDI क्या है, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। वह प्लास्टिक कार्ड जिसमें डिजिटल सूचनाएं एकत्रित रहती हैं, स्मार्ट कार्ड कहलाता है। किस प्रकार के प्रचार एड्स किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं, तो ये पॉपअप एड्स आते हैं। A2A क्या है, तो ये A2A क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। A2B क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस। A2C क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन। G2B क्या है, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2C क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर एम कॉमर्स क्या होता है, तो ये मोबाइल कॉमर्स होता है। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं, तो उनको कन्वर्जन रेट कहते हैं। इनमें से कौन सी श्रेणी ई कॉमर्स में 87% की भागीदारी है, B2B में। इनमें से किसका इस्तेमाल B2B में पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जब कोई विक्रेता से ऑनलाइन खरीदारी करता है तो विक्रेता उस क्रेता की पहचान किस प्रकार से करता है, तो ये एसईटी के माध्यम से करता है। फिर ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है, ये तो दोस्तों बाइंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए
अधिकतर वेबसाइट्स इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती हैं? तो ये दोस्तों कुकीज, कुकीज इंस्टॉल करती हैं। दोस्त की शादी का सामान ऑनलाइन खरीदना इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये B2C है, B2C। B2B का क्या मतलब है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। B2C का क्या अर्थ है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020। ई कॉमर्स की सुविधा है उपरोक्त सभी, नगद भुगतान 24x7, विवरण ये सभी है इसका। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों में निम्न में से कौन संबंधित है? तो उपरोक्त सभी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सभी इससे रिलेटेड है। IPR का क्या मतलब है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फ्लिपकार्ट का आरंभ कब हुआ था? फ्लिपकार्ट का आरंभ 2007 में। ई कॉमर्स के किस प्रकार में एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है? तो ये सी टू बी में। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक धन भी कहा जाता है? तो डेबिट कार्ड को प्लास्टिक धन भी कहा जाता है। भारतीय दस्तकारों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा समर्थ पहल को लॉन्च किया गया था? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी है? फ्लिपकार्ट है। ई कॉमर्स में प्रयुक्त तो तकनीक E.B.C से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड है। यह एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसे मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फोरम भी कहते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा हैं। अमेजॉन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजॉन प्राइम सेवा कब शुरू की थी? तो ये 2007 में शुरू की थी, सॉरी ये 2005 में शुरू की थी, 2005 में। USSD का पूरा नाम क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैब मार्ट के संस्थापक कौन है? तो के बैथेश्वरन है। उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी बी टू सी का उदाहरण है? तो अमेजॉन, मतलब ये दोनों है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म C2C उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले व्यापार से संबंधित है? तो ये उपरोक्त दोनों है, ईबे और ओलेक्स। निम्नलिखित में से गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी, फास्टैग, उमंग, ई मित्र सेवा। भारत में ई कॉमर्स के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में ई कॉमर्स के जनक के बैथेश्वरन को कहा जाता है। फिर भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैब मार्ट थी। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? अमेजॉन है। CBB का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल है इसका पूरा नाम। ई विवरण का विकल्प नाम है, तो ई विवरण का वैकल्पिक नाम क्या हो सकता है? तो ये डी होगा, उपरोक्त सभी, वेब विपणन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, UPI। तो इसमें दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीद कर उसका अधिग्रहण किया? तो वॉलमार्ट ने किया है ऐसा। फिर भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मिंत्रा की स्थापना कब हुई? तो मिंत्रा की स्थापना 2007 में हुई थी, 2007। ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के पूर्ण रूप से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी सही ही हैं, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और OTP वन टाइम पासवर्ड। ओरेकल कॉमर्स किस प्रकार का ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है? तो ये ओरेकल कॉमर्स ही, उपरोक्त दोनों बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस दोनों है। ऐसे कार्ड जो किसी ग्राहक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्रेडिट कार्ड कहलाते हैं।
सीएससी का पूरा नाम क्या है? सीएससी का पूरा नाम क्या है? कार्ड सिक्योरिटी कोड। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है कहलाती है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या गवर्नमेंट टू सिटीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? तो माइकल एल्ड्रिज ने किया था। किसने? माइकल एल्ड्रिज ने। वर्ष 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन है। निम्नलिखित में से सी टू सी का उदाहरण, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो उपरोक्त सभी हैं, क्यूकर डॉट कॉम भी है, ओलेक्स डॉट कॉम भी है, करता 24 भी है। फिर प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के वर्तमान सीईओ एंडी जेसी हैं, एंडी जेसी। ओटीपी का क्या पूरा नाम है? तो इसका पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। फिर निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है? तो ये अमेजॉन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना ये ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम रुपए है, रुपए। ई कॉमर्स में किसी डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी, बैंकिंग कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट सभी के द्वारा। UPI निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोस्तों ए और सी, तो इसमें दोनों दोस्तों ए और सी, मतलब 1, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में समाहित है। फिर ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में ई कॉमर्स समाहित है, ये गलत है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, ये भी सही है। और इन्वेंटरी मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है, ये भी सही। तो इसमें 1, 2, 1, 4 दोनों सही हैं। RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम है। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? तो सभी हैं दोस्तों, और सभी B2C, B2B, इंट्रा B। इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यवसायिक फर्म के भीतर से होता है? तो इसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। परिवर्णी शब्द RTGS का अर्थ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो C2C प्लेटफॉर्म के लिए .. C2C प्लेटफॉर्म के लिए है, तो ये अमेजॉन है। ई कॉमर्स में गति लाने में शामिल क्षेत्र हैं, तो ये एम कॉमर्स। ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग .. के उदाहरण हैं, तो ये सभी दोस्तों ई सर्विसेज के उदाहरण हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है उस मॉडल को क्या कहा जाता है? तो उस मॉडल को B2C, C2B कहा जाता है, C2B। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है, तो ये उपरोक्त दोनों यानी B2B वाणिज्य और C2C वाणिज्य दोनों के उदाहरण है। फिर प्रोडक्ट खरीदते समय कई बार आप EMI या EMI शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका पूरा फॉर्म चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने ये जो 9वां चैप्टर था ई कॉमर्स का, उसको समाप्त कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।